जब भी मंदिर में जाते हैं तो पुजारी हमें मंदिर में चढ़ाया हुआ भोग देते हैं, जो कि प्रसाद कहलाता है। प्रसाद के तौर पर उसमें कोई ना कोई खाद्य पदार्थ ही होता है, जैसे कि मिठाई। लेकिन एक ऐसा भी मंदिर है जहां मिठाई की जगह मिलता है सोना, चांदी और रुपया। यह मंदिर है मध्य प्रदेश के रतलाम में। यह मंदिर माता लक्ष्मी का है। इसे भारत में महालक्ष्मी के मंदिर के रूप में जाना जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है कि आए दिन ही प्रसाद के रूप में सोना चांदी का वितरण किया जाए। इस मंदिर में दीपावली के समय कुबेर दरबार लगता है। यह विशेष रूप से धनतेरस के दिन ही लगता है। भारत के कोने कोने से श्रद्धालु कुबेर दरबार में भाग लेने आते हैं। इस दिन अपनी श्रद्धा स्वरूप हर व्यक्ति मंदिर में कुछ लेकर जाता है और उसे माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करता है। इसके बाद जब भक्त माता के दर्शन करके वापस लौटते हैं तो भक्त को प्रसाद के रूप में सोना या चांदी मिलता है। इस दिन जो भी भक्त माता के दर्शन करने के लिए आता है वह कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता। बताया जाता है कि ये परंपरा आज से नहीं बल्कि सदियों से ऐसी ही चली आ रही है। यहाँ भक्तों के द्वारा चढ़ाए गए रुपयों का हिसाब किताब रखा जाता है, जिससे कि वही रुपया प्रसाद के तौर पर उन्हें वापस मिल सके। धन की निगरानी हेतु हर जगह CCTV लगवाए गए हैं, साथ ही पुलिस भी हर समय तैनात रहती है। इस आयोजन में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। जिस दिन मंदिर में यह आयोजन होता है उस दिन मंदिर को फूलों के साथ साथ नोटों की मालाओं और सोने चांदी से भी सजाया जाता है। इस दौरान जो भी भक्त माता के दर्शन के लिए आते हैं वह कभी भी वापस खाली हाथ नहीं लौटते। ऐसे ही विचित्र रहस्यों से रूबरू होने के लिए हमारे नेक्स्ट नैन स्पिरिचुअल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। नेक्स्ट नैन स्पिरिचुअल से अभिषेक चौहान की रिपोर्ट।